नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप लोगों का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती एसएसटी स्पेशल क्लास में। यहां पे मैं आप लोगों को एसएसटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है घोषित किया जाता है। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और किन किन कारणों से ये घोषणा जो है की जा सकती है, युद्ध की स्थिति में जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, बाहरी आक्रमण इस स्थिति में भी की जा सकती है, और सशस्त्र विद्रोह। तो इन तीन कंडीशन की स्थिति में जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। तो क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन ए बीबी गिरी, बी एस राधाकृष्णन, सी फखरुद्दीन अली अहमद। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, फखरुद्दीन अली अहमद। अगर बात करें पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया, 1962 में, ठीक है, और इसे किसने घोषित किया, एस राधाकृष्णन ने, ठीक है। और अगर बात करें दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, ये कब घोषित किया गया, 1971 में, और इसकी घोषणा वी गिरी ने की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय आपातकाल कौन था, तो दूसरा वाला था, जो कि 1971 में जो घोषित किया गया था वी गिरी के द्वारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। अगर बात करें प्राक्कलन समिति की, तो इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और ये सभी सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, ये सभी सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और अगर बात करें ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, और सी वाला ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, इसमें भी जो है 22 सदस्य होते हैं। अगर बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें सार्वजनिक उपक्रमों पर आधारित समिति, इसमें भी जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे, मौर्य, कुषाण गुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुषाण। इसमें आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, गुप्त राजाओं ने, जबकि कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्न में से किसका योगदान था, चरक, पाणिनि, भास। तो इसका सही जवाब है चरक, ठीक है। चरक जो है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, वे कनिष्क के दरबार चिकित्सक थे, और चरक द्वारा ग्रंथ को 8 भागों में विभाजित किया गया था। अगर बात करें पाणिनि की, तो इन्हें आप लोग जानते होंगे, ये संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाँचवा प्रश्न है, कर्ण वंश की राजधानी थी पुहार, राजगीर, पाटलिपुत्र। सी वाला ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वासुदेव कर्ण कर्णवंश के संस्थापक थे, सुशर्मन कर्णवंश के अंतिम राजा थे, सातवाहन द्वारा कर्णवंश को हासिल किया गया था, ये भी पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छः देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था, 1976, 1978, 1979। पहला ऑप्शन सही है, 1976। अगर बात करें वर्ष 1976 की, 1976 में अधिनियमित संविधान के पहले संशोधन द्वारा भारतीय निवासियों के लिए लोगों के मूल कर्तव्यों की जो है गणना की गई थी। और दूसरा पॉइंट है, संविधान के भाग 4A में, ठीक है, 51A, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है मूल कर्तव्यों से जो है रिलेटेड है। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, रूस के संविधान से जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। पहला है भाग 4,
दूसरा है भाग चार का ए, सी भाग पाँच। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन भाग चार। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? भाग चार। अगर बात करें भाग चार का ए, ये अभी आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा, ये जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। और अगर बात करें भाग पाँच की, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है ये वाला भाग। और अगर बात करें भाग चार की, तो इसे जो है तीन खंडों में जो है विभाजित किया गया है। पहला है आपका गांधीवादी, दूसरा है आपका समाजवादी और तीसरा है आपका उदारवादी या बुद्धिजीवी, ठीक है। उदारवादी या बुद्धिजीवी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहला है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है उदारवादी या बुद्धिजीवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, करुणा। बी ऑप्शन है त्रिपिटक। सी ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बुद्ध, धर्म, संघ, ठीक है। त्रिरत्न का यही अर्थ है, बुद्ध, धर्म, संघ। क्वेश्चन नंबर नौ है, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लिंगायत। तो जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, क्योंकि जो जातक कथाएं हैं वो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस देखिए, क्वेश्चन नंबर दस, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? महायान, हीनयान, वज्रयान। तो इसका सही जवाब है हीनयान। अगर बात करें हीनयान के बारे में, हीनयान ईश्वर के बिना धर्म, ठीक है, ईश्वर के बिना धर्म। और दूसरा पॉइंट, इसमें जो है कर्म ने भगवान का स्थान लिया। तीसरा पॉइंट, अष्टवीरवाद हीनयान के सबसे पुरानी शाखा थी। हीनवान बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है, हीनयान बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें महायान की, महायान जिसे जो है ग्रेटर व्हील इसके नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप लोग ये भी कहते हैं वृहद चक्र, याद रखिएगा, महायान जिसे ग्रेटर व्हील या वृहद चक्र के नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक नागार्जुन थे। इसके अनुयायियों का मानना था कि बुद्ध और बोधिसत्वों की मदद से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। और अगर बात करें वज्रयान की, यानी वज्र का वाहन, इसके अनुयायियों का मानना था कि वज्र के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से, वज्र के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए सोशल स्टडीज़ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने जो 10 क्वेश्चन पढ़ाया है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।